मेरा दिल ये पुकारे आजा। ओह माय गॉड, आप भी फैन है। अगर मैं यही सोचता रहूं कि जी मैं हीरो ही बनना चाहता हूं, तो फिर विलन कौन बनेगा? अरे आपको क्या पता, पार्टी चल रही है कराची में भाई, बलूचिस्तान लोग घूमने फिरने जाते हैं। बट इतनी कोई इंटरेस्टिंग वो खाने थे कि यकीन करें मैं फिल्म के दौरानिए में ही मोटा होना शुरू हो गया था। अगर मुझे आप छोड़ दें तो शायद मैं एक बम का गोला बन जाऊं। मुझे लगता है भाई हमारे इंडस्ट्री में ये होता है भाई, हमें विलेन चाहिए तो शमून साहब ही चाहिए, ऐसा ही होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मैं लेकिन विलेन ही बनकर रह गया हूं, मैं कॉमेडी भी करना चाहता हूं। भारत इस मूवी को देख के क्या रिएक्शन दे वो जी? बस मुझे लगता है कि आग बगुला हो जाएंगे। ज़ारो आई लव यू इफ यू वॉचिंग दिस शो। Hi, this is Kehkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. हमने अपने बचपन से बड़े होने तक अजीब किस्म के बॉलीवुड में आंखें खोली, जहां पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कहानियां सामने आती थी, बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई जाती थी, और मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आखिर हमारी तरफ से कब जवाब दिया जाएगा। और फाइनली 2022 में ये चीज़ होने जा रही है, एक ऐसी मूवी तैयार हो रही है कि जो भारत को भरपूर जवाब देगी। अब वो जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो एक्साइटेड ज़रूर हुए होंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस मूवी में जो लीड एक्टर हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शमून अब्बासी साहब, जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत तवील एक्सपीरियंस है। आपने हमेशा इनको स्क्रीन पर जब भी ये नज़र आए होंगे तो सोचा होगा कि ये कैसा कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कुछ नया है और इस बार मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो उनसे कुछ छोटी मोटी सी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ढाई चाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी बातें हो रही थी ढाई चाल के हवाले से, द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और उन्होंने थोड़ी सी हमें फाउंडेशन स्टोरी भी बताई। सो आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस और ढाई चाल तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक दिन तैमूर शिराजी साहब जो डायरेक्टर हैं उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैंने उनको फिर इनवाइट किया घर पे खाने पे। और हमने, मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब हम मिले तो मेरे ख्याल में 5-6 घंटे हमने साथ गुजारे, और जो पैशन था तैमूर का और जो ड्राइव थी स्टोरी को सुनाने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, उसमें जो आंसर था, एक पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पूरी ज़िंदगी हमने प्रोपेगेंडा सुना है, उसको काउंटर करने का जो एक एलिमेंट था, वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। जब हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात सुनते हैं ना जो कि वैलिड नहीं होती या कभी प्रूवन ही नहीं होती और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा एक जज्बा जागता है। वो जज्बा मेरा स्क्रिप्ट सुन के ज़रूर जागा। अच्छा, चूँकि मैं नेगेटिव रोल्स करता हूँ तो मुझे हमेशा वो वाला पार्ट दिया जाता है जो बेसिकली एंटी पाकिस्तान होता है। लेकिन मैं इसलिए भी करता हूँ कि जब तक ये फिल्में बनेंगी नहीं, जब तक वो मैसेज भी हम नहीं दे पाएंगे। अगर मैं यही सोचता रहूँ कि जी मैं हीरो ही बनना चाहता हूँ, तो फिर विलन कौन बनेगा? बिल्कुल है। तो ये है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ठंड में हमने काम किया है, क्वेटा की मतलब माइनस की समझ लें उसमें थे हम, माइनस सेंटीग्रेड्स में चले गए थे, और इतनी कोई ठंड होती थी, और हम कराची वाले लोग हैं जिनको 9-10 महीने गर्मी देखनी पड़ती है, तो बड़ा चैलेंजिंग था। बलूचिस्तान मेरा जाना इस फिल्म के अलावा भी बहुत होता है। अच्छा, मतलब जाते रहते हैं? जाते रहता हूँ मैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का एक समझ लें ट्रेजर है बलूचिस्तान। अभी तक जो है ना वो अनएक्सप्लोर्ड इतनी जगहें वहाँ पर, इतनी हसीन हसीन वहाँ पर जगहें हैं जिसको शायद हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल किसी भी और किसी भी जगह से। बिल्कुल। सिर्फ चक्कर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें शायद नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, या और जो वसाइल होते हैं वो नहीं है। तो कराची के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में लोग हम जब डिस्कस करते हैं बाहर बैठे हुए अपने इवन कजन्स के साथ या दोस्तों के साथ, वो कहते हैं हाउ डू यू लिव देयर, कैसे हो सकता है? अरे आपको क्या पता, पार्टी चल रही है कराची में भाई, बलूचिस्तान लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो बलूचिस्तान मैं जब भी जाता हूँ मुझे एक अलग फीलिंग आती है। बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत कमाल है, और इस फिल्म को ख़ास तौर पर करते हुए बहुत रिस्पेक्ट मिली। जहाँ जहाँ जा रहे थे लोग बस इनवाइट करते थे, घर आइए। अच्छा। बैठे मेहमान नवाजी चल रही थी आप लोगों बहुत 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 मजा आया मुझे। अच्छा, कुछ खाना वाना ट्राई किया वहाँ का? रिवायती ये बताएं जी, वहाँ का मुझे रोश मुझे चेक करवाया मुख्तलिफ कुछ जगहों पे, लगे मैं नाम भूल गया हूँ, बट इतनी कोई इंटरेस्टिंग वो खाने थे कि यकीन करें मैं फिल्म के दौरानिए में ही मोटा होना शुरू हो गया था। आपकी डाइट खराब हो गई? मेरी डाइट खराब हो गई, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है।
तो मैंने एक दो सीन में अपना देखा, मैंने थोड़ा पेट निकला हुआ है और वो सिर्फ मजे मजेदार खाने, और सर्दी इतनी होती है ऊपर से फिर आपको पता है कि वो उस तरह के खाने जो क्वेटा में मिलते हैं बंदा फिर मंटा ही चला जाता है। अगर मुझे आप छोड़ दें तो शायद मैं एक बम का गोला बन जाऊं। चलिए फिर तो ये अच्छा हुआ कि आपने वहीं से रैप अप कर लिया। हाँ जी। अच्छा, 5 साल का अरसा, 5 साल कंटिन्यूटी भी मेंटेन रखना, शूट भी आपका यकीनन लंबा ही चला होगा, सो वो सारा जो दिन गुजरे हैं याद आते हैं उसमें से कुछ? मैं इत्तेफाक की बात है कि जितनी भी मैंने फिल्में अभी तक की हैं ना, इसमें वार भी हाँ। है, 4-5 साल का ना तो अरसा कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब जितनी भी फिल्में अभी 2018-19 में स्टार्ट हुई थी वो कोविड की वजह से वैसे ही 2 साल जो है वो बैठ गई, जाहिर है कोई काम ही नहीं हुआ। तो मेरे अंदर ये है कि जिस गेटअप में मैं जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि उसे मेंटेन रखा जाए, जो वजन, बाल, दाढ़ी, मूंछ जो भी होती है, और इसी चीज से मुझे थोड़ी जरा लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करते हैं कि जी गेटअप्स मेरे होते हैं जरा ऐसे ही है। तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहता हूँ जब आप एक कमिटेड हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ और आप अपना प्रोजेक्ट समझने लगते हैं, मैं तो हर फिल्म को अपनी फिल्म समझता हूँ, तो फिर मैं नहीं घबराता, फिर मैं कहता हूँ ठीक है डेट्स निकालें। जाहिर है और भी काम करने होते हैं, बीच में से डेट्स निकाली इन लोगों ने, फिर हमने वो काम किया। हाँ, वरना हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं कि उसी फॉर्म में रहें और नहीं रह पाते नहीं। लेकिन आप हमें पहले दिन से और लास्ट सीन तक वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं, सो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, डायरेक्टर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी आपको रोल के हवाले से, और आपका रोल है क्या बेसिकली? बेसिकली मैं कुलभूषण यादव, जो पटेल के रूप में वो यहाँ रहता था पाकिस्तान में, तो वो जो पटेल कैरेक्टर था उसकी क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी और वो किस तरह यहाँ पर मैनूवर करता था, किस तरह वो यहाँ लोगों को जो है वो टीम्स क्रिएट कर रहा था, और किस तरह वो लोगों को डिप्यूट करता था जो यहाँ के जो बलूचिस्तान की तबाहियों के लिए जो सारे प्लान्स थे, तो हमने डिस्कस की एक बात के जी क्या हम एग्जैक्टली कुलभूषण यादव के गेटअप पे जाएं या फिर हम उसको एक मेटाफोरिक रोल भी बना दें। तो फिर डिसाइड यही हुआ कि हम एग्जैक्ट रोल पे नहीं जा, मतलब एग्जैक्ट इमेज पे नहीं जा रहे, हम पटेल नाम रखेंगे जो कि कुलभूषण यादव ही है, बट उसको हम जरा मेटाफोरिक रखेंगे कि अगर होता तो एक ऐसा कैरेक्टर होता। तो ये खास एक चीज़ थी और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरा डायरेक्टर बहुत खुश है। अभी हम डबिंग के सेशन पे बैठे हैं, तो जब भी मैं डबिंग करके जाता हूँ तो तैमूर मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आपने बहुत मज़ेदार डबिंग की है। तो आई एम श्योर कि ये फिल्म जो है ना इस जनरेशन को तो लाजमी देखनी चाहिए। हम जब यहाँ आए तो उस वक्त भी डबिंग चल रही थी, और आई मस्ट से कि वो एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम है डब करना। ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि एक डायलॉग को जो आप वापस दोहरा रहे हैं और वही फील्स, वही इमोशंस। बस मुझे लगता है कि डबिंग पर आके ना फिल्म बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप अपने वो जो उस वक्त जिस एनवायरमेंट में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ का साउंड डिफरेंट होता है, शोर होता है, शराबा होता है, तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ द डायलॉग है या वो जो साउंड है जो आपके गले से निकलता है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं कैप्चर हो पा रहा होता। तो हम उसको जब यहाँ स्टूडियोज़ में आते हैं तो हम उसको एक तरीके से रिक्रिएट करते हैं, बट कीपिंग इन माइंड के वो इमोशन और वो जो लम्हा था जिस वक्त हमने वो बात बोली थी वो क्या था। तो मैं ज़रा इस मामले में कह लें ट्रेंड हूँ, डबिंग के मामले में सारे मामलात में आप ट्रेंड हैं आई गेस। तो आई लव डबिंग, मुझे लगता है डबिंग पे आके ना आपका आपका कैरेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, जितने सारे लोग ये सुन रहे हैं ना इस वक्त, आप भाई थोड़ा सा कानों को अपने खोलें, सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं वो बाहर के लोग नहीं होते, हमारे एक्टर्स भी होते हैं जो बहुत 4-4, 5-5 घंटे रातों को बैठ के डबिंग कर रहे होते हैं, तो ये तो हैट्स ऑफ टू यू सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अब ये बताएं, को स्टार्स के साथ हुमायूं अशरफ हैं मूवी में और आयशा उमर हैं, फिर लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, कैसी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रही, सबसे ज़्यादा मज़ा किस सीन में आया और किसके साथ आया? मेरे सारे दोस्त इस फिल्म में मौजूद हैं, इसमें सलीम मिराज हैं, इसमें अदनान शाह टीपू हैं, इसमें हुमायूं अशरफ है, आयशा उमर है, तो हमारी सबकी पुरानी पुरानी दोस्तियां हैं। ऑफ कैमरा हम बहुत मजे से रहते थे। अच्छा, बहुत पिकनिक विकनिक पार्टी वार्टी किया आपने बलूचिस्तान में? बस यही पार्टी होती थी कि जी आज क्या खाना है। अच्छा, यही सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि शूट के बाद हिम्मत ही नहीं रहती कहीं जाने की, तो फिर हम सोचते थे कि भाई आज खाना क्या है, ये सबसे बड़ी पार्टी होती थी। अच्छा, सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी, एक लोकेशन के एतबार से, एक्टिंग के एतबार से, जहाँ आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है? कुछ पहाड़ों के मेरे सीन्स थे जिसमें मैंने एक बूढ़ा बना हुआ हूँ मैं, और वो एक लंगड़ा बूढ़ा है और वो उसे चला नहीं जा रहा, तो वो पहाड़ मुझे पूरा उसी एक्टिंग में चढ़ना था और उतरना था, तो
तो दैट वाज अ वेरी हैवी डे बिकॉज हम सुबह से शुरू हुए थे फिर वो मगरिब तक मेरा वो एक ही मोन्ताज हो रहा था. ओके. तो वो लेकिन वो बहुत अच्छे सीनिक सीन्स आए हैं. तो सिनेमैटिक व्यूज आपको मिलेंगे. यस यस एब्सोल्युटली. अच्छा ये मुझे बताइएगा एक दिन में आपने चढ़ लिया फिर पहाड़? एक ही दिन में चढ़ लिया जी. अरे वाह, इससे तो भाई आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि एक दिन में. और क्योंकि ऐसा सच कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती भाई. मेरी थोड़ी सी जरा इन चीजों की है ट्रेनिंग. मैंने अपने भी जितने भी ड्रामे फिल्में की हैं उनमें हमेशा आउटडोर का एलिमेंट बहुत होता है. तो दुर्ज भी मेरी जो है सारी पहाड़ों पर थी. तो वो शायद कोई और डायरेक्टर या एक्टर नहीं कर पाता अगर मैं ना होता, क्योंकि वो जो हिम्मत थी पहाड़ों पे चढ़ के शॉट्स लेने की वो हमें ज़रा पैदल जाना पड़ता था, हमारे कोई गाड़ियों के एक्सेस नहीं थे. तो आई लाइक सच यू नो चैलेंजेस इन फिल्म्स. मुझे लगता है फिल्म बैठे बैठे खड़े खड़े अगर ख़त्म हो जाए कैरेक्टर की तो कुछ भी नहीं है उसमें. जब तक वो फिजिकल कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आती, पसीना खून पसीना नहीं निकलता. तो आई मैं ज़रा टफ हमेशा से मेरे रोल्स भी इसी तरह के होते हैं. तो मैं कहता हूँ फिर जो डिमांड है उसको पूरा किया. मुझे लगता है भाई हमारे इंडस्ट्री में ये होता है भाई हमें विलेन चाहिए तो शमून साहब ही चाहिए. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बस मैं लेकिन विलेन ही बनकर रह गया हूँ. कॉमेडी भी करना चाहता हूँ. असल लाइफ में कुछ सोच रहे हैं कॉमेडी वगैरह का है? जी 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 बिल्कुल. आई लव कॉमेडी. मैं तो अब सोच रहा हूँ कि जो अब आइंदा आने वाला साल है वो सिर्फ कॉमेडी फिल्मों पर ध्यान दूँ और मैं बस अब विलेन शिलन बनना बंद करूँ और नए आने वाले लड़कों को जगह दी. हाँ सर आपने स्पेस रखा हुआ है ना अपना. अच्छा ये बताए कुछ मूवी में जो हमारे देखने वाले हैं कोई गानों वगैरह का एलिमेंट नजर आएगा हमें? अरे ऐसा वैसा आपको गाने बहुत अच्छे मिलेंगे. आपको पेट्रियोटिक गाने भी मिलेंगे, आपको मसाला गाने भी मिलेंगे. सोनिया नजीर हैज परफॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन आर फिल्म और कमाल डांस उन्होंने किया. कमाल उसमें यानी जो चीज रिक्वायर्ड होती है फिल्म में वो पूरी की है उसने. और मैंने अभी 3-4 दिन पहले गाना देखा एडिट हुआ हुआ. तो आई थॉट के किसी भी इंटरनेशनल मूवी से आप उसको मैच कर सकते हैं. चलें अब जो ये शौकीन लोग हैं जिनको सिनेमा जाके यही देखना होता है ना कि अच्छा गाना है, डांस परफॉर्मेंस सब मिलेगा बाबू, सारा इसके अंदर जो है आपको मसाला मिलने वाला मसाला है. एक्शन सीन्स का बताइएगा कुछ एक्सपीरियंस कैसे रहे? कभी कुछ आप इतना टाइम से काम कर रहे हैं अब तो कुछ ऐसा मसला नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी कोई यादगार सीन मसला हुआ हो? चोटें लगती हैं और हर फिल्म से मुझे कोई ना कोई एक चोट हड्डी पे जरूर लगी है. होई होई. यादगार के तौर पे अभी मैं एक फिल्म शूट किया तो उसका मुझे जो यहाँ चोट है वो अभी तक मेरे है, कोई 3 महीने हो गए. तो दैट इज प्रॉबली द प्राइस ऑफ एन एक्टर. तो करना पड़ता है. ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लोग फिर देखते भी तो इतने शौक से है ना. वो सारा मेहनत फिर वसूल भी हो जाती है जब आपके छोटे छोटे फैंस हो ना और वो बच्चे आके आपसे कहें कि शमून आपसे तस्वीर खिंचवानी है आपके साथ, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है. ये छोटे बच्चे नहीं है, हम जैसे लोग भी कह रहे भाई चलो. आप भी छोटी बच्ची हैं. चले मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ. अच्छा सर ये बताइएगा भारत इस मूवी को देख के क्या रिएक्शन देने वाला है? वो जी बस मुझे लगता है कि आग बगुला हो जाएंगे. फिर से मैं कहूँगा कि जी हम आर्टिस्ट होते हैं, हमारा किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती. वी लव यू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. प्रॉब्लम अगेन वही है कि किसी मुल्क के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब आप कॉन्स्टेंटली एक गलत प्रोपेगेंडा करते चले जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं से जवाब आना है. तो इस फिल्म की जब ट्रेलर भी अभी चला था कुछ अर्से पहले तो मैंने देखा था कि इंडियन मीडिया बहुत आग बगोला हो गई थी. 50 सालों से इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया ना, एक फिल्म जवाब जरूर देनी चाहिए. ये मेरा ख्याल है कि भरपूर जवाब होगा इस बार, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो बातें तो अब हमारी बहुत सारी हो चुकी हैं, अब बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ और देखते हैं कि आपको विलन नजर आने वाले शमून अब्बासी साहब रैपिड फायर में कैसे खेलते हैं. ठीक है सर, तैयार हैं आप? पहला सवाल आपकी तरफ. योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट. Oh my God. ये देखिए मुझे कोई ना 15 साल हो गए शादियों में मैं गया नहीं हूँ. ठीक है. और अब वो जो मैंने लेटेस्ट सुना है देखा है मैंने वो जब मेरा दिल ये पुकारे आजा. Oh my God. आप भी फैन है? फैन से मुराद ये कि वो गाना मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता था लेकिन उसको वो जो एक नया तड़का दिया गया है वो मुझे लगता है कि उससे तो आई डोंट नो इट्स अ हिट. और वो काला चश्मा आजकल बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं वीडियोस देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काला चश्मा गाना है बहुत अच्छा है. अच्छा मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कभी आपको आपकी ऐसी कोई वीडियो आए और हम उसको रिक्रिएट कर रहे हो. ओह माय गॉड. ओके. फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर आतिफ. हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? यस आई डिड. बहुत सारी चीज जो है ना मैं चुरा लेता था. मुझे चीज बहुत पसंद थी. अच्छा. हाँ तो वो कहीं भी छुपा के नहीं रख सकते थे, मैं उठा के
तो आई यूज्ड टू ईट इट विदाउट आस्किंग. या आप लोग देख लें जिस जिसके भी फेवरेट है ना शमून साहब, ये नोट्स ले लें. योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? एक का नाम लेना तो सदमा कह सकते हैं. सदमा इज अ वेरी गुड फिल्म. ओके, कोई एक शख्सियत जिसके साथ आप मुस्तकबिल में काम करना चाहें? मुस्तकबिल में मैं काम करना चाहूं, आई वुड लाइक टू वर्क विद प्रियंका चोपड़ा. और अगर हम बाहर कहीं हॉलीवुड की तरफ देखें तो वियोला डेविस इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, और आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर व्हाट शी डज. वियोला डेविस के साथ भी काम करना चाहता हूं. ओके, वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर योर लास्ट मूवी? बस मुझे वार की याद है. इट्स नॉट माय लास्ट मूवी बट वार में मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मैं दुबई में रहता था, फिर मैं पाकिस्तान आ गया और मैं उसके बाद फिर मेरा जाना नहीं हो सका बहुत अरसे. और मैं जब वापस गया हूँ दुबई तो वो उस दिन प्रीमियर था वार का. तो देयर वर 15,000 पीपल स्टैंडिंग एंड वेविंग एट मी. वाओ, तो मेरे लिए बड़ी बात थी जी. मुझे पता है इससे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट एक बच्चा समझ लें जो वहाँ सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा होता था, खेल रहा होता था. और जब मैं वापस गया हूँ स्टार बन के, तो मेरे लिए इतने सारे लोग पाकिस्तानी थे खास तौर पे, एंड दे वर वेविंग विद देयर मोबाइल्स. तो दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी, दैट मेड मी क्राई एक्चुअली. ओह माय गॉड. ओके, वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री? यप. इंडस्ट्री में आई कांट से आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड. आई हैव फ्रेंड्स बट नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज वो मिजाज लोगों के चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ. तो मैं आई कांट कॉल देम बेस्ट फ्रेंड्स. One thing you want to change about yourself? I want to change, well, it's too late though. I want to change the element ke main shayad main thoda zara side mein rehta hu. I don't mix up. I'm antisocial. I don't go to places. I don't go to parties. To main bada homely sa aadmi hu. Logo ko lagta hai main badi party shaati karta hu, ye wo aisa nahi hai. पार्टी है मेरी लेकिन अपने घर में होती है, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ. तो ये है बस लाइफ मेरी. ओके, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? आई कांट लिव विदाउट माय फैमिली एंड आई कांट लिव विदाउट माय डॉग्स. ओके, माय डॉग ज़ोरो खास तौर पे. ज़ोरो आई लव यू इफ यू वाचिंग दिस शो. अब जल्दी जल्दी होने वाले. ओके ओके, कराची और लाहौर? कराची. बिरयानी और पास्ता? पास्ता. कॉफी और चाय? चाय. अम्मा और अब्बा? आए दोनों. बॉलीवुड से कॉल आई तो किसके साथ काम करने की आपको ख्वाहिश है? विशाल भरद्वाज, इम्तियाज अली, और बस ये दो तो प्रायोरिटी पे है मेरे टाइप के डायरेक्टर्स है, तो आई थिंक इम्तियाज अली और विशाल भरद्वाज. ओके, प्लेलिस्ट का वो गाना जो आपका सबसे फेवरेट है? काम डाउन आजकल बहुत हिट चल रहा है. और कोई पाकिस्तानी भी बताए ना. पाकिस्तानी गाना जो मेरा फेवरेट हो, जुनैद जमशेद का जो दौर था मुझे बहुत पसंद था. अब आजकल नहीं है एज सच कोई. पसूड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे पसंद है वो गाना, बट ये नहीं कह सकते मेरा फेवरेट है. ओके, ज़्यादा आप सुन लेते होंगे? सुन लेते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू शमून अब्बासी साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. और मैं तो डेफिनेटली ज़रूर जा रही हूँ मूवी देखने के लिए जब रिलीज़ होगी. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ढाई चाल के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपको किसकी परफॉर्मेंस देखने का सबसे ज़्यादा इश्तियाक है. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.